हाँ जी भाई, तो वेलकम है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो युवा कबड्डी सीरीज खेली जा रही है, इसका भाई जो आज के दिन का जो मैच नंबर थर्ड है। और टूर्नामेंट की बात करें तो मैच नंबर 68 जो कि खेला जाएगा यहाँ पर चंबल चैलेंजर्स वर्सेज अरावली एरोज के बीच में। अब इन दोनों ही टीम्स की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। बस वीडियो अगर देखने आ गए हो ना तो एंड तक देख कर जाइएगा, बाकी सारा काम मैं आपके लिए कर दूंगा, लेकिन वीडियो भाई आपको ही एंड तक देखनी पड़ेगी। और वीडियो एंड तक देखते हो तो इजीली आप इस मैच में बड़ी ही शानदार विनिंग कर जाओगे। अब चलिए भाई बात कर लेते हैं मैच के बारे में। तो दोनों टीम्स ने अभी तक भाई अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी। आज से भाई यहां पर नया राउंड स्टार्ट हो रहा है, बूस्टर राउंड। तो इस राउंड में क्या कुछ परफॉर्मेंस रहेगी वो आगे एक दो दिन में पता चलेगी, लेकिन जो पिछले राउंड रहे हैं उनमें भाई क्या परफॉर्मेंस रही है वो आपको यहां पर बताऊंगा और उसके हिसाब से ही आपको टीम बना के दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक भाई बड़ा सजेशन आपके लिए कि टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि देखिए यहां पर आप देख सकते हो सिंगल हैंडेडली आपको विनिंग करवा रहा हूं, कोई अपने आसपास भी नहीं आ रहा। उससे पहले वाले दिन के आप रिजल्ट देखोगे तो वहां पर भी वन साइडेड, यहां पर आप देखिए वन साइडेड आपको अल्ट्रा क्लीनशिप करवा रहा हूं, ठीक है। इससे ज्यादा भाई और क्या ही चाहिए। यहां पर आप देखिए भाई लगातार अल्ट्रा क्लीनशिप चल रही है। तो अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, यहीं पर आपको फाइनल टीम फाइनल अपडेट सारी चीजें मिलने वाली है। अब चलिए भाई बात करते हैं टीम के बारे में, मैच के बारे में। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आगे जो भी वीडियोस वगैरह मैं आपके लिए लेकर आऊं उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं चंबल चैलेंजर्स से। तो इनकी तरफ से यहां पर दुर्गेश साहू आपको दिखेंगे डिफेंस में, जो कंप्लीटली फ्लॉप रहे लास्ट मैच में। इससे पहले वाले मैच में आप देखो तो वहां पर एवरेज परफॉर्मेंस, उससे पहले अच्छी खासी परफॉर्मेंस लगातार दे रहे थे। तो अगर आप चाहो तो आप इन्हें अपनी टीम में बैक कर सकते हो। इनके अलावा भाई एक गायनेंदे आपको दिखेंगे जो लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं स्टार्टिंग के 5-6 मैचेस को छोड़ के, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। लेकिन दोनों को हम ट्राई नहीं कर पाएंगे क्योंकि और भी अच्छे प्लेयर है, तो अगर आप चाहो तो दोनों को ट्राई कर सकते हो लेकिन वो काफी रिस्की हो जाएगा। रेहान शेख भाई बहुत ही शानदार प्लेयर है, बीच में भाई यहाँ पर इन्हें काफी मैचेज मिले, लास्ट मैच में खेले नहीं, तो अगर खेलते हैं तो इंपॉर्टेंट रहेंगे रहेंगे, अगर नहीं खेलते तो भाई फिर बात अलग है। वहीं अगर बात करें भाई यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन की, तो दुर्गेश नेतम कुमार वन ऑफ द बेस्ट पिक, इवन भाई सीवीसी का सबसे तगड़ा दावेदार रहेगा। रेडिंग प्लस डिफेंस दोनों काम करता है, मेन काम रेडिंग का है बट डिफेंस में भी कभी कभी चला जाता है। जैसे यहां पर भाई इन्होंने एक टैकल निकाल के दिया, उससे पहले यहां पर आप देखो तो यहां पर भाई बंदे ने एक टैकल निकाल कर दिया, तो कभी कभी चला जाता है। कपिल गुज्जर की बात करेंगे तो अगर स्टार्टिंग 7 में होता है तो एक डिफरेंशियल पिक के तौर पर आप इन्हें ट्राई कर सकते हो, लेकिन भाई अगर भाई सब्स्टिट्यूट लिस्ट में रहेगा तो इजिली हम इन्हें अपनी टीम से ड्रॉप कर देंगे। मलाई पल्ली की बात करें तो लास्ट मैच में कंप्लीटली फ्लॉप रहे, अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बाकी मैं रिकमेंड करूंगा जीएल मिनी जीएल के लिए। संस्कार मिश्रा की बात करेंगे, यहां पर भाई सेकंड लास्ट मैच में 73 पॉइंट थे, उससे पहले वाले मैच में आप देखिए 32 पॉइंट, और लास्ट मैच में तो भाई बिल्कुल ही थोड़ा लो साबित हुए, 6 ही पॉइंट इन्होंने निकाले हैं, जिसमें भाई इन्होंने यहां पर 4 टच पॉइंट और 2 बोनस पॉइंट इन्होंने निकाले हुए हैं। वहीं अगर बात करें भाई यहाँ पर जय खान की, यानी कि भाई जावेद खान की, तो अगर खेलते हैं तो जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा, नीचे अगर आप चलोगे तो कोई और इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं दिखेगा। अब चलिए भाई मैं यहाँ से आपको टीम बना के दिखाऊँ, उससे पहले भाई यहाँ पर सामने वाली टीम यानी कि भाई अरावली एरोज की तरफ भी देख लेते हैं कि कौन से प्लेयर अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और क्यों इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पर भाई देखिए इनका डिफेंस एज कम्पेयर टू यहाँ पर भाई चंबल चैलेंजर्स थोड़ा ज़्यादा बेटर नज़र आ रहा है, या फिर आप बोल सकते हो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। राजेंद्र बाखर लेफ्ट कॉर्नर पर आपको खेलते दिखेंगे, अगेन बड़ा ही तगड़ा प्लेयर है, 101% अपनी टीम में रखेगा। इवन भाई आप अगर जीएल मिनी जीएल खेल रहे हो तो इन दोनों को आप सीवीसी भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये भाई जोड़ी में ही चलते हैं। यहाँ पर आप देखिए लास्ट मैच में इन्होंने भी थोड़ी एवरेज परफॉर्मेंस दी, एक टैकल निकाला, उससे पहले लगातार हर मैच में परफॉर्मेंस है बंदे की, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट तो जरूर रहने वाले, जरूर से आपने अपनी टीम में बैक कीजिएगा। इवन सीबीसी के भी तगड़े दावेदार ये आपके लिए रह सकते हैं, आप इन्हें जरूर अपनी टीम में ट्राई कीजिएगा। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो टीम के जो मेन कैप्टन है प्रेम बाड़ू, लास्ट मैच खेले नहीं है, उससे पहले आप देखोगे तो एक दो मैचेस में फ्लॉप जरूर रहे हैं, लेकिन उससे जस्ट पहले भाई यहां पर आप देखो तो भाई 6 टैकल और यहां पर 3 बोनस पॉइंट इन्होंने निकाले भी हुए हैं, तो आपके लिए बड़े ही खतरनाक प्लेयर रहने वाले हैं, चाहो तो ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें यहां पर सी कुमार चौधरी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, लास्ट मैच में आप
देखिए भाई बंदे ने 3 टैकल किए, उससे पहले आप देखिए भाई बंदे ने यहाँ पर 1 टैकल किया। और मैंने यहाँ पर मेरी ये वाली वीडियो जाके देख लीजिए, जो पेरियार पैंथर्स और अरावली एरोज का लास्ट मैच था, वहाँ वाली मेरी वीडियो देख लीजिए। मैंने क्लियरली बोला था कि भाई यहाँ पर मेरे भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट जरूर रहने वाले हैं सी कुमार चौधरी, तो अगर खेलते तो ट्राई कीजिएगा। वहीं अगर बात करें रेडिंग सेक्शन की, तो ब्रजपाल सिंह गौर लास्ट मैच में तो एवरेज सी परफॉर्मेंस है। नवप्रीत सिंह अगर खेलते तो आप इन्हें भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। जसवंत यादव खेलेंगे तो 100% मेरी टीम में रहेंगे। ये क्या नाम भाई इनका, के अयतनाराम बाना अगर खेलते तो इन्हें भी आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। लेकिन लास्ट मैच में एस बगारा ने खेला और यहाँ पर एस बगारा ने नो टच पॉइंट और एक बोनस पॉइंट के साथ भाई यहाँ पर सुपर 10 अपना कंप्लीट किया है। तो ये आपके लिए जरूर इंपॉर्टेंट रहेंगे, जरूर से आप इन्हें अपनी टीम में बैक कर सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर भाई अब मैं आपको टीम बना के दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले भाई रिक्वेस्ट है आपसे, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोगों के फिर कमेंट आते हैं कि भाई आपने मतलब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया होता और फिर आप बोलते हो कि भाई आपकी जो वीडियो टीम है उसमें 2 प्लेयर नहीं खेल रहे। तो भाई अभी स्टार्टिंग 7 नहीं है, तो हम कंफर्मेशन के साथ नहीं बोल सकते कि खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर बात करें टीम की, तो यहाँ पर आर बाकर, अंकित हरियाणा, डी साहू और ए गायनंदे, चारों को मैं ट्राई करना चाहता हूँ, बट देखते हैं ए गायनंदे की जगह बन पाएगी या नहीं। तो अभी के लिए मैं इन तीनों को ट्राई कर रहा हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन में डी नेतम कुमार को मैं अपनी टीम में रख रहा हूँ, नीचे अगर आप चलोगे तो भाई सी कुमार चौधरी को मैं अपनी टीम में रख रहा हूं। बात करें अगर यहां पर रेडिंग सेक्शन की, तो यहां पर ब्रजपाल सिंह गौर और संस्कार मिश्रा दोनों को मैं अपनी टीम में रख रहा हूं। अगर भाई यहां से प्लेयर तो काफ़ी सारे लेकिन सारे खेलेंगे नहीं, तो अगर कोई भी चेंजमेंट होता है, कोई भी नया प्लेयर खेलता है, जो ये मैंने प्लेयर बताए इनके अलावा कोई और अच्छा प्लेयर खेल जाता है जैसे जसवंत यादव हो गया, तो उन्हें भी मैं ट्राई करने की कोशिश करूंगा। किसकी जगह पर करूंगा, कब करूंगा, वो सारी अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिलेंगी। सी वी सी की बात करते हैं, नो डाउट डी नितिन कुमार हमारी टीम के कैप्टन रहेंगे। अंकित हरियाणा जाट को मैं वी सी दे रहा हूँ अभी के लिए, अगर आप चाहो तो सी चौधरी या फिर भाई यहाँ पर ब्रजपाल सिंह को अपनी टीम का वी सी दे सकते हो, बट अभी के लिए मैं नहीं दे रहा हूँ। मेरे टीम प्रीव्यू आपकी स्क्रीन पर है, मेरा ऑलमोस्ट फाइनल टीम है। कोई भी चेंजमेंट होता है, कुछ भी अपडेट आती है, तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के फर्स्ट कमेंट में। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।